अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल हैदराबाद बर्ड्स। जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों के साथ मैंने बात कही थी कि बकरे का डाइट प्लान जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, तो सारी चीज़ें आप लोग अभी बताता हूँ, ठीक है दोस्तों? तो अभी सुबह सुबह का टाइम है, सुबह सुबह इसको चारा देता हूँ। चारे में क्या देता हूँ वो भी दिखाता हूँ। जी दोस्तों, ये देख रहे हैं, ये जंतर है, जंतर दे रहे हैं इसको, और जब ये बंद हो जाएगी आना तो इसको फिर बरसिंग दिया करेंगे, ठीक है दोस्तों? तो अभी तो फ़िलहाल यही देनी है, सुबह जितनी खाए इसको दे दें, उसके बाद शाम के लिए क्या रूटीन है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। दोस्तों ये देखें, लूसन ये नहीं खाता है, दो तीन बार ट्राई किया है, ये लूसन नहीं खाती है, सिर्फ जंतर ही खाता है, ठीक है जी? तो इसको खिला रहे हैं अभी, और शाम को जो भी है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि शाम को क्या खिलाता हूँ। दिन के अंदर सिर्फ पानी और नमक जो है आप लोगों ने रख देना है, पानी 24 घंटे पड़ा रहे इसके पास, बाकी शाम को जो खिलाता हूँ वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। जी दोस्तों, अब शाम का टाइम है, शाम में इसको क्या देना है, अभी ये 4 मंथ्स का हो गया है बकरा हमारा, तो ये देखें क्या क्या चीज़ें मिक्सेस में मैं बता देता हूँ। भूसी है, कटी हुई मकई है, ठीक है जी, गंदम है और छिलका है। तो ये चार चीज़ें आप लोगों ने बकरे को देनी है जब ये 2.5 से 3 महीने का हो जाए, तो इन चीज़ों से आपको लगाना, क्योंकि ये चीज़ें जल्दी हज़म हो जाती हैं और बकरा अच्छी जो है ग्रोथ पकड़ता है इससे, ठीक है दोस्तों? तो 4 महीने का ये हमारा बकरा हो गया है, अब देखें माशाल्लाह शौक से खाता है। तो सुबह आप लोगों ने जो है जंतर देनी है, शाम को आप लोगों ने ये चार चीज़ें मिक्स करवा के देनी है, क्वान्टिटी अपने हिसाब से आप लोगों ने कर लेनी है, ठीक है? देखें क्वांटिटी आप लोग अपने हिसाब से कर लीजिएगा, भूसी थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में रखिएगा, कोई नहीं मोशन होते, कोई नहीं बीमार होता, आप लोग के सामने देखें भूसी ज़्यादा है, खा रहा है बकरा, ठीक है दोस्तों? बाकी जो एक्सपीरियंस लोग हैं उन्हें तो माशाल्लाह और ज़्यादा नॉलेज होगी, जो न्यू कमर्स दोस्त हैं मेरी तरह, तो उन लोगों के साथ मैं सारा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि मैं किस तरीके से कर रहा हूँ, तो आप भी उस तरीके से कीजिएगा, इसमें कोई नुकसान नहीं है, पानी एनी टाइम इसके पास पड़ा होना चाहिए, ठीक है दोस्तों? तो उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।